लिखो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक हो गया नॉर्मल कॉन्जुगेशन, एक हो गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एंड थर्ड इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन तीन टाइप का होते हैं, एक हो गया नॉर्मल, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। नाउ व्हाट इज ए नॉर्मल कॉन्जुगेशन? नॉर्मल कॉन्जुगेशन का मतलब इस तरह का, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इट इज अ केस ऑफ नॉर्मल कॉन्जुगेशन। या मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इस टाइप का कॉन्जुगेशन को बोलेंगे नॉर्मल कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, ये और भी आगे एक्सटेंड कर गया, जैसे उसका मतलब देखो यहां कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल यहां तक है, द कॉन्जुगेशन इज मोर स्प्रेड हियर, कॉन्जुगेशन का डिस्टेंस ज्यादा है यहां पर। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो उसको बोलेंगे एक नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, इस टाइप का कॉन्जुगेशन को बोलेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। नाउ कमिंग टू द क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्या होता है? अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब कॉन्जुगेशन यहां से लेके यहां तक है, यहां पर भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन यहां तक है, मगर इस दोनों के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन यहां पर है, कॉन्जुगेशन यहां पर है, मगर ये दोनों के बीच में डबल सिंगल सिंगल डबल, देखो यहां पर स्ट्रेट में देखो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। सो दिस इज अ केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब दिस टू आर इन कॉन्जुगेशन, दिस टू आर इन कॉन्जुगेशन बट दे देमसेल्फ आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, इस दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, यहां पर भी कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल बट ये दोनों के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, देन इट इज अ केस ऑफ द क्रॉस कॉन्जुगेशन। सो टू कॉन्जुगेशन, दो कॉन्जुगेशन और इस दोनों के बीच में यदि अपने में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, सो देन इट इज अ केस ऑफ द क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब देखो जब नॉर्मल कॉन्जुगेशन है का मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, वी नो दैट इन द केस ऑफ रेजोनेंस इधर द पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन डिलोकलाइजेशन प्रोसेस। तो नॉर्मल कॉन्जुगेशन में एक्सटेंड क्या काफी कम है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन मूव किया, मगर हमें यहां पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन यही इलेक्ट्रॉन यहां तक चला जा रहा है, मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में डिलोकलाइजेशन ज्यादा होता है, मूवमेंट ज्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। सो जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज एंड देयर बाय स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। सो मोर द एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या है, क्योंकि ये इसके साथ ये कॉन्जुगेशन करना चाह रहा है, इट इज ट्राइंग टू फॉर्म ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद दिस, ये भी एट द सेम टाइम चाह रहा है कि इसके साथ कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस कर ले, मतलब इसके साथ कॉन्जुगेशन के लिए दोनों के साथ एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है, इसके साथ
ये भी चाह रहा है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, ये भी चाह रहा है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, उसका मतलब इस दोनों का एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है। इसके चलते कॉन्जुगेशन में कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने के चलते इसमें जितना कॉन्जुगेशन होना चाहिए था नॉर्मल केस में, यदि इसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं होता तो इसका अपना जो कॉन्जुगेशन होना चाहिए था, यदि नॉर्मल कॉन्जुगेशन में रहता तो इसके चलते कॉन्जुगेशन थोड़ा घट जाता है। तो लिखो, ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इज स्लाइटली डिक्रीजेस, द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इज स्लाइटली डिक्रीजेस। Thereby, stability of the cross-conjugated structures are less than extended conjugation. Thereby, stability of the cross-conjugated structures are less than extended conjugated structure. Provided the number of electron participate in resonance is same. That is pi electron or lone pair, all has to be same. मतलब यदि देखो यहां पर डबल सिंगल यहां पर कितना, यदि हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, मान लो इसको अब हम लोग यहां हटा देते हैं, तो यहां पर डबल सिंगल मतलब देयर आर 6 pi इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, 6 pi इलेक्ट्रॉन इज ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस। अब यहां पर क्या है, 2 4 6 6 pi, यहां पर भी 6 pi, यहां पर भी 6 pi। अब हम लोग यदि यहां कंपेयर करते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसका रेजोनेंस ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां क्रॉस है, यहां पर एक्सटेंडेड है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोथ द केसेस आर सेम, सो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज पार्ट ऑफ द रेजोनेंस आर सेम, देन ओनली वी कैन से दैट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन द नॉर्मल कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, सॉरी क्रॉस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। अब इस क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या क्या इफेक्ट होता है या क्या क्या चेंज होता है वो हमको समझना है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, डेफिनेशन का यहां कोई मीनिंग नहीं है, ये दोनों के साथ कॉन्जुगेशन चाह रहा है। दिस पाई इलेक्ट्रॉन इज ट्राई टू अंडरगो रेजोनेंट विद दिस पाई, ये भी एट द सेम टाइम इसके साथ चाह रहा है, सो दैट मींस इसके साथ रेजोनेंस करने के लिए, क्योंकि दोनों सो एक साथ नहीं कर सकता ना, कोई एक करेगा, मतलब इसके साथ रेजोनेंस के लिए इसके और इसके बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब देखो यहां पर इस बॉन्ड डिस्टेंस को हम लोग ए मान लेते हैं, इस बॉन्ड डिस्टेंस को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हियर एज्यूम टू बी बॉन्ड डिस्टेंस ए, इसको बी मानते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब देखो यहां पर जब रेजोनेंस लिखेंगे, ये यहां गया, ये यहां पर आया, I'm just
अब यहाँ पर देखो, यहाँ डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग रेजोनेंस तो यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब यहां से ड्रॉ होगा तो ये दो स्ट्रक्चर बने, एक तो यहां से बनेगा, एक यहां से बना। इससे क्या है, यहां पर इसका जो यहां फ्लो होने का टेंडेंसी है, क्योंकि ये जब यहां फ्लो होने जा रहा है तो ये भी उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। मतलब इसका जो रेजोनेंस करने का टेंडेंसी है उसको थोड़ा सा वो डिक्रीज कर दे रहा है, क्योंकि ये भी चाह रहा है इसके साथ रेजोनेंस करना, इसका अपना जो फ्लो हो रहा है वो थोड़ा सा घट गया। इसका भी ये जब यहां रेजोनेंस करना चाह रहा है तो ये इसको रोक रहा है, मगर क्या है कि जब यहां जा रहा है रेजोनेंस तो सोचो ऐसा कि ये यहां पर 80% फ्लो हुआ, ये भी 100% होना चाहिए था, वो भी 80% फ्लो हुआ, तो दोनों 80 और 80 मिला के यहां क्या फ्लो हो गया, 160% हो गया। उसका मतलब जब क्रॉस कॉन्जुगेशन हुआ तो यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां से भी इलेक्ट्रॉन आया, इसको यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिला, तो यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा हो गया, मगर इसका अपना फ्लो घट गया ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसका कॉन्जुगेशन थोड़ा घट गया, जितना होना चाहिए था नॉर्मल केस में उससे घट गया, इसका जितना होना चाहिए था वो भी घट गया, मगर यहां पर फ्लो ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। उसके मतलब तुम आप ऐसे सोचो कि जब यहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर किधर कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। ड्यू टू रेजोनेंस दिस डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट टुवर्ड्स व्हाट, सिंगल बॉन्ड। उसका मतलब अब क्योंकि यहां ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, जब ज्यादा रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड कहां जाता है, सिंगल की तरफ जाता है, तो यहां जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल की तरफ ज्यादा जाएगा कंपेयर टू दिस डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका फ्लो को तो ये रोक रहा है। उसका मतलब बॉन्ड लेंथ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी विल बी मोर देन ए। क्यों? क्योंकि यहां फ्लो ज्यादा हो रहा, यहां फ्लो ज्यादा होगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल की तरफ ज्यादा जाएगा, यहां फ्लो तो कम हो रहा क्योंकि इसका फ्लो को तो ये रोक रहा है, तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो घटेगा सिंगल की तरफ वो कम जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम, और बॉन्ड ऑर्डर कम का मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। उसका मतलब ए इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा, बट बी विल बी मोर देन ए एंड बी विल बी मोर देन सी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसका जब रेजोनेंस होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये अनएफेक्टेड रहेगा। अब जब यहां से रेजोनेंस लिखेंगे तो ये बनेगा, ये अनएफेक्टेड रहेगा। मतलब क्या, इसके साथ रेजोनेंस करने के लिए ये भी चाह रहा है और ये भी चाह रहा है, बोथ इज ट्राइंग टू अंडरगो रेजोनेंस विद दिस। मतलब दोनों का बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ। इसको लॉजिकली समझो कि दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ कि हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट अंडर रेजोनेंस विद दिस। तो दोनों के साथ कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ, तो ये इसका जो रेजोनेंस को ये रोक रहा है और इसका इधर का रेजोनेंस को ये रोक रहा है, क्योंकि ये भी चाह रहा है इसके साथ रेजोनेंस करना, ये भी चाह रहा है इसके साथ रेजोनेंस करना। उसका मतलब इसका जितना होना चाहिए था वो थोड़ा सा घट गया, इसका जो होना चाहिए था मान लो 100% होना चाहिए था वो घट गया, अब वो हो गया मान लो 90%, 80%, 85%। तो ये तो कोई डेटा नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं। इसका जितना होना चाहिए था वो भी थोड़ा घट गया, तो दोनों साइड से जब इलेक्ट्रॉन आया तो मान लो कि 80% रेजोनेंस किया, ये भी 80% फ्लो किया, तो जब यहां गया तो यहां तो एक्युमुलेट हुआ, दोनों 80-80 मिला के कितना आ गया, 160 आ गया, तो यहां पर रेजोनेंस बढ़ गया, मगर इसका अपना और इसका अपना रेजोनेंस घट गया। तो इसका जब रेजोनेंस बढ़ेगा तो ये डबल बॉन्ड किधर जाएगा, सिंगल की तरफ चला जाएगा, डबल बॉन्ड विल गो टुवर्ड्स द सिंगल, सो देयर बाय बॉन्ड लेंथ इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मगर ये दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली इससे कम हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया? एक और देखो, अच्छा देखो, ये तो बॉन्ड लेंथ में कंपेयर किया, बॉन्ड लेंथ इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको हम लोग ए माने थे बॉन्ड लेंथ, इसको बी माने थे, यहां सी माने थे।
तुमसे हो सके क्वेश्चन देगा व्हाट विल बी द बॉन्ड एनर्जी, मान लो इसका बॉन्ड एनर्जी है x किलो जूल्स पर मोल और इसका बॉन्ड एनर्जी है y किलो जूल्स पर मोल। बॉन्ड एनर्जी का मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी कब ज्यादा होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उस बॉन्ड को तोड़ना उतना डिफिकल्ट होगा, उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए, एक्स एक्स विल बी मोर और वाई विल बी मोर। क्या ज्यादा होगा, एक्स ज्यादा होगा या वाई? एक्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां रेजोनेंस ज्यादा हो रहा, तो ये डबल बॉन्ड तो सिंगल की तरफ जा रहा है, ये भी जा रहा है ऑब्वियसली, ये भी डबल बॉन्ड सिंगल की तरफ जा रहा है, मगर यहां इसका सिंगल की तरफ जाने का टेंडेंसी कम हो गया क्योंकि ये तो रोक रहा उसको। उसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, उसका मतलब एक्स किलो जूल विल बी मोर देन वाई किलो जूल। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू दिस। और ऐसे भी हमें पता है कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड एनर्जी कम, क्योंकि इसको तोड़ना आसान होगा। तुम्हें ये कंपेयर करना है x, यहां पर इस कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस है x, इस कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस है y। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्टेंस है यहां पर a, कैपिटल a, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्टेंस है कैपिटल b। सो कंपेयर बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में कंपेरिजन करना है एंड कंपेयर बिटवीन a एंड b इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस। X एंड Y, X इज द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कार्बन एंड Y इज द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन दिस कार्बन टू कार्बन और बॉन्ड लेंथ। कैपिटल A हो गया बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड यहां पर कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्टेंस हो गया कैपिटल B। और इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी हो गया x किलो जूल पर मोल और यहां कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी हो गया y किलो जूल पर मोल। तो यहां पर बॉन्ड डिस्टेंस कंपेयर करना है x और y के बीच में और कैपिटल A कैपिटल B के बीच में, यहां पर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है x और y के बीच में।
अब देखो यहां पर ये यहां गया रेजोनेंस, मगर जब ये यहां पर जा रहा है तो यहां पर भी तो रेजोनेंस होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस ये भी करना चाह रहा है, उसका मतलब इसका रेजोनेंस करने का टेंडेंसी को ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रोक रहा है, मगर यहां तो ऐसा कोई रोक नहीं रहा है, मगर यहां इसका लोन पेयर से मतलब ये भी तो इसके साथ रेजोनेंस करना चाह रहा है, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यहां पर भी नेगेटिव क्या है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, मतलब रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, इसके चलते क्या आ जाएगा, इसका यहां फ्लो करने का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा सा घट गया, तो उसका मतलब ये बताओ कि यहां पर इसका तो फ्लो ज्यादा हुआ, ये 100% हुआ, क्योंकि यहां पर ऐसा रोकने वाला कोई ग्रुप है नहीं, मगर यहां तो रेजोनेंस से वो रोक रहा है, मतलब इसका फ्लो कम हुआ, मतलब यहां रेजोनेंस ज्यादा हुआ, मतलब ये सिंगल बॉन्ड किधर जाएगा, डबल बॉन्ड की तरफ, क्योंकि इसका फ्लो यहां हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड विल गो टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा, मगर इसका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ जाने का टेंडेंसी कम होगा, तो एक्स ज्यादा होगा या वाई ज्यादा होगा, Y will be more than X, क्यों, क्योंकि Y यहां तो इसका फ्लो कम हुआ, फ्लो कम होने का मतलब ये डबल की तरफ कम जाएगा, ये तो डबल की तरफ ज्यादा जा रहा है क्योंकि इसका फ्लो तो ज्यादा हो रहा है, मगर A और B में कौन ज्यादा होगा, B, B क्यों, क्योंकि यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दोनों एक्युमुलेट होकर यहां जा रहा है, यहां तो बढ़ जाएगा, इसका अपना घट गया थोड़ा सा घटा, इसका भी अपना थोड़ा सा घटा, मगर यहां तो दोनों जब ऐड होके गया तो ये तो बढ़ गया कंपेयर टू दिस, सो दैट मींस बी विल बी मोर देन ए, इज इट क्लियर, क्या यहां तक समझ में आ गया, अब यहां बताओ x ज्यादा होगा या y, यहां पर लोन पेयर नाइट्रोजन में लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन, यहां पर भी नाइट्रोजन में लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, तो जब यहां पर रेजोनेंस ये करना चाह रहा होगा तो ये तो उसको प्रिवेंट कर रहा या रोक रहा है, उसका मतलब यहां पर फ्लो ज्यादा हो जाएगा, यहां पर जब यहां फ्लो यहां सॉरी यहां पर फ्लो तो केवल इसके चलते हुआ, यहां दोनों से हो रहा मतलब यहां फ्लो ज्यादा हुआ, तो ये हमारा जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल की तरफ ज्यादा जाएगा, इट्स टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स द सिंगल विल बी मोर कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां यहां से भी इलेक्ट्रॉन आया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आया, दोनों एक्युमुलेट होके ऊपर की तरफ गया मतलब इसके तरफ चला गया, ये हमारा जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल की तरफ ज्यादा कन्वर्ट होगा कंपेयर टू दिस, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसका मतलब एक्स विल बी मोर देन, क्या ये समझ में आया डिफरेंस कैसे हो रहा, कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, identify which is more stable.
चलो अरेंज करना है स्टेबिलिटी में, ए बी यहाँ भी ए बी, इसको भी ए और बी मान लेते हैं, कंपेयर करना है विच आर मोर स्टेबल। यहां क्या दिख रहा है देखो, लोन पेयर यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो है एक डायरेक्शन में। तो दिस इज केस ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया इसके ऊपर, सो इट इज अ केस ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। मगर यहां पर क्या है, नाइट्रोजन में तो लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन इसके साथ तो रेजोनेंस में है, नाइट्रोजन इसके साथ रेजोनेंस में है, मगर ये दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड अपने में रेजोनेंस में नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द रेजोनेंस। मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का फ्लो एट वन को दोनों तरफ नहीं हो सकता, इधर इट विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट और इट विल गो टुवर्ड्स द राइट। उसके मतलब क्या है कि इसका साथ रेजोनेंस करने के लिए दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पर, दो दो और दो चार और लोन पेयर दो, छह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर भी कितना है, दो चार छह, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस बोथ द केसेस आर सेम। उसका मतलब ये क्योंकि हमारा एक्सटेंडेड है, यहां पर क्रॉस चल रहा है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल देन ए, विल बी मोर स्टेबल देन बी। यहां पर क्या है देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन यहां गया, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन के थ्रू से रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो हो गया, मतलब एट वन गो कंटिन्यूअसली यहां से यहां तक, यहां से यहां तक रेजोनेंस चल रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। मगर यहां क्या है, यहां से रेजोनेंस यहां पर होगा या यहां से होगा, मगर इस दोनों के बीच में तो रेजोनेंस नहीं है। मगर इसका मतलब क्या, इस दोनों के साथ, इसके साथ रेजोनेंस करने के लिए दोनों का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुका है। इट इज अ केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, वेयर एज दिस इज अ केस ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब एक साथ चल रहा है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन द रेजोनेंस, मगर यहां तो कॉम्पिटिशन है, ये भी इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, ये भी कर सकता, मगर अपने में तो नहीं कर सकता। सो देयर बाय ए इज मोर स्टेबल देन बी। आप यहां पर क्या है देखो, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां चला गया, मतलब एट वन को इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। नेगेटिव चार्ज जब यहां गया तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके यहां चला गया और ये जो इलेक्ट्रॉन था यहां नेगेटिव आ गया, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से यहां तक चल रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो है। मगर यहां पर क्या है देखो, ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ एट वन गो तो दोनों तरफ मूव नहीं कर सकता, इधर इट विल गो टुवर्ड्स द राइट साइड और इट विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसका जब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इधर राइट से लिखेंगे या लेफ्ट से, एक साथ तो दोनों नहीं हो सकता, मगर यहां तो कंटिन्यूअस फ्लो हो गया, उसका मतलब B इज मोर स्टेबल देन A। यहां पर क्या देखो, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, और यहां पर नेगेटिव सिंगल डबल, यहां नेगेटिव सिंगल डबल, मगर यहां क्या है, B विल बी मोर स्टेबल देन A। व्हाई इट इज सो, क्योंकि अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्ट ऑफ द रेजोनेंस हैज टू बी सेम, देन हम लोग बोलेंगे एक्सटेंड इज मोर स्टेबल। मगर यहां क्या है, दो चार नेगेटिव मतलब दो इलेक्ट्रॉन और फिर दो, टोटल पाई चार, छह इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा, यहां कितना किया चार, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, दो इट इज अ पार्ट ऑफ क्रॉस, यहां तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, यहां तो कम है, तो ये जो हम लोग एक्सटेंड को ज्यादा प्रायोरिटी दिए कब दिए हैं, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर क्रॉस एंड एक्सटेंड आर सेम, देन एक्सटेंड विल गेट्स मोर प्रायोरिटी, या एक्सटेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा, तो यहां पर कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, दिस विल बी मोर स्टेबल। थर्ड वाला में वो नेगेटिव चार्ज था ना, सेकंड स्ट्रक्चर के ऊपर।
ए और बी में स्टेबिलिटी चेक करना है, विच इज मोर स्टेबल ए और बी? अच्छा देखो, बी का नेक्स्ट रेजोनेटिंग, बी का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, बी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखो बी का जब इलेक्ट्रॉन यहां गया, क्या देखो तो यही बनेगा बी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के बाद, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद ये बनेगा। अच्छा ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं सर। उसका मतलब क्या, ये जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये तो इसी में कन्वर्ट होगा, और फिर ये जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा फिर इसमें कन्वर्ट होगा। मतलब व्हाट इज द रिलेशन, दे आर आइडेंटिकल, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये बन जा रहा, मगर यहां ऐसा कुछ नहीं था। ड्रॉ करके देखो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो कभी ये नहीं बनेगा, इसका लिखेंगे तो कभी ये नहीं बनेगा, मगर यहां क्या हुआ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो तो देखो ये बन जा रहा, या इसका लिखो तो देखो ये बन जा रहा, मतलब दे आर आइडेंटिकल। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कहां क्रॉस अप्लाई होगा कहां अप्लाई नहीं होगा। कार्बोकेटायन में क्रॉस अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यही तो बन रहा है, उसका मतलब दोनों तो आइडेंटिकल हो गया। या इसका लिखो, इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कराओ, यही तो बन जाएगा। सो दे आर बोथ आर आइडेंटिकल स्टेबिलिटी, मगर यहां क्या था, किसी को भी तुम लिखोगे तो द अदर वन इज नॉट गोइंग टू फॉर्म। इज द डिफरेंस क्लियर? स्टेबिलिटी हमें निकालना है बिटवीन द स्ट्रक्चर, मतलब इसमें ए और बी में निकालो।
चलो आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी, मतलब सब में ए और बी में कंपेयर करना है, या यहां ए बी सी में कंपेयर करना है, विच आर मोर स्टेबल। दो मिनट सोचो ठीक से, फिर नाउ विल डिस्कस। जो भी समझ में आया अभी तक उसको हिसाब से तुम अप्लाई करो।